हेलो गाइस, ये आप देख सकते हैं मैम के जो हेयर है वर्जिन हेयर है और हम बालियाज करने के लिए जा रहे हैं, तो हम इस पर कुछ भी प्री लाइट यूज़ नहीं करेंगे, ब्लॉन्डर का यूज़ नहीं करेंगे। हम जो है डायरेक्ट इसके ऊपर कलर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ कलर की मिक्सिंग शुरू कर दी है, ये यहाँ पे कलर मिक्स कर रहे हैं और हम बालियाज के लिए डायरेक्ट कलर को ही अप्लाई करेंगे। तो हमने कलर को पहले ट्राई करने के लिए मैम के हेयर पे से एक सेक्शन लिया हमने छोटा सा, उस पर जो है हमने हमारा डायरेक्ट कलर अप्लाई किया और आप देख सकते हैं इस पर बहुत खूबसूरत कलर आ गया। अब हम सिर्फ कलर का ही यूज़ कर रहे हैं, हमने प्री लाइट कुछ नहीं किया, वर्जिन हेयर है और हम इस पर जो है बालियाज करने के लिए जा रहे हैं। तो देखते ये हमारी रिजल्ट को। तो गाइज, हमने यहाँ से फॉइल पेपर हटाया है और आप कलर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है फॉइल पेपर हटाने के बाद देखिए कलर बहुत खूबसूरत आ गया है। हमने डायरेक्ट कलर दिया है, हमने कुछ भी प्री लाइट नहीं किया हेयर को, हमने कोई ब्लॉन्डर यूज़ नहीं किया है प्री लाइट करने के लिए, डायरेक्ट हमने कलर लगाया है, वर्जिन हेयर थे और कलर देख सकते हैं बहुत खूबसूरत से आ गया है। तो हमने किया है बालियाज हेयर कलर, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत इसका रिजल्ट आया। हमने जस्ट कलर का ही यूज़ किया है, हमने हेयर को कोई प्री लाइट नहीं किया, विदाउट प्री लाइट जो है आप देख सकते हैं कलर का रिजल्ट बहुत खूबसूरत आया। तो ये हमने किया है लेयर कट आप देख सकते हैं, और साथ में ही हमने किया है बालियाज हेयर कलर। तो हमारा बालियाज हेयर कलर और हमारा जो लेयर कट है वो डन है, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं। हैप्पी कस्टमर।